ABPS न्यूज। सरकार की अनदेखी व गाँव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गाँव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुर में स्थित तजुआ गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर है। लगभग 1500 की आबादी व 1100 वोटरों द्वारा ममता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 199 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 210 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 7 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 30 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, 4 खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य व सीसी रोड का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 36 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। प्रधानपति ग्राम पंचायत तरुआ विकासखंड भोजीपुरा बरेली से, मैंने अपने कार्यकाल में 4 खरंजा मरम्मत कराए हैं, 3 सीसी कराए हैं और जूनियर हाई स्कूल में मॉडल शौचालय का निर्माण चल रहा है और आगे भी मैं अपने गांव के विकास के लिए जैसे कि शमशान घाट पर समता ग्रह, स्वास्थ्य केंद्र और मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि 11,000 वोल्ट की लाइन चल रही है, वो लाइन हटवा के एक जगह 63 केवी का या 75 केवी का एक ट्रांसफार्मर लगवाया जाए जिससे कि बार बार ठंड होता है और आग लगने की दुर्घटना होने की समस्या है ये दूर हो जाए और आगे भी जो मेरा समय बचा है इसमें मैं गांव के विकास के लिए सीसी और खरंजा नए डलवाने के लिए प्रेरित रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा। एक गांव का प्रधान जब बनकर आता है तो ऐसे समझ लें आप कि कांटों पे सूलों पे चलकर वो एक प्रधान चुना जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे प्रधानों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, कोई भी हम प्रधान लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, इससे हमें बहुत बड़ा सदमा जैसा लगता है। वाला ग्राम तजुआ और गांव का जो है विकास काम जो प्रधान जो करा रहे हैं, पैसा कम आने की वजह से काम जो है धीमा चल रहा है। कराना जो भी काम कराया, सीसी रोड खरंजा जो है बढ़िया काम कराया है।